नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सिवसर पीएसएस क्लास पर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपका परसेंटेज का क्लास चल रहा था। तो परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थी उसका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और कुछ क्वेश्चन बाकी थे। तो UP SSC द्वारा परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम पहले समाप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग देखा जाएगा कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है। यानी कह रहा है कि 40% पासिंग मार्क चाहिए, बच्चा प्राप्त करता है 180 अंक और बराबर अंक यानी कि 180 नंबर से वह फेल भी हो जाता है। 180 पाया और पासिंग मार्क से कितना पहले रह गया है, 80। तो मैंने आपको क्या बताया था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, मैंने कहा था कि जो टोटल पूर्णांक होता है वो 100 मानिए आप हमेशा। ठीक, टोटल पूर्णांक मैंने आपको बताया था हमेशा 100 मानने के लिए। दिख नहीं रहा, ब्लैक से लिख दिया जाए। आइए, टोटल पूर्णांक आपका 100% हो गया या 100 मान लिया मैंने। तो अब आप कहेंगे कि पासिंग मार्क कितना है, 40। तो 100 का 40% क्या होगा, 40% पासिंग मार्क है और यही पासिंग मार्क आपके किसके बराबर है, बच्चा 180 नंबर पाता है प्लस 180 से फेल हो जाता है, यानी 180 प्लस 180 और पाया होता तो पास हो जाता। तो यहाँ से पासिंग मार्क 180 प्लस 180 और इधर से पासिंग मार्क कितना आया, 40%। तो 40% का मान आपका कितना आ गया, आप कहेंगे 18 × 36 360। तो जब 40 से काटेंगे 4 × 9 = 36, 1% का मान कितना आ गया, 9। 1% का मान 9 आ गया तो टोटल 100% का मान कितना आ जाएगा, 900। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया था कि परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 900 अंक। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए तब तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई और उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आपको मैंने बताया था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, t ± x ± y ± xy/100 से हल कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। रख दीजिए इसमें 10 की कमी हो रही है तो कमी को माइनस में लेंगे, उपभोग में 8% की वृद्धि हो रही है इसको प्लस में लेंगे, और यहाँ पे मैंने बताया था कि इन दोनों का गुणनफल माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस, 10 × 8/100 0.8 यहाँ से आएगा, माइनस 10 यहाँ से, माइनस और माइनस 1 में आ जाएगा तो −10.8 + 8, तो आपका आ गया −2.8%। और माइनस का मतलब क्या इंडिकेट करता है, कमी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, 2.8% की क्या होगी, कमी। ठीक, आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट के बाद फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की मूल कीमत, कार की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि। फिर से वही फार्मूला, टी बराबर पहले कितने की वृद्धि हुई, 30 की, फिर प्लस 10 की, प्लस प्लस का गुणनफल प्लस ही आएगा, 30 × 10/100, 30 × 10 = 40, यहाँ से 3 = 43, देख रहे हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 43% आपका क्या आ गया इसका आंसर। ये आपका UP SSC राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, और इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था वो UP SSC चकबंदी लेखपाल परीक्षा में आ चुका था, तो आप देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं राजस्व लेखपाल का। क्वेश्चन पढ़िए आप। 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? मैं यहां कह दूं बच्चों की संख्या और यहां कह दूं प्रत्येक को, प्रत्येक को मिले मिठाइयों की संख्या, मिठाइयों की संख्या। अब किसी एक को मानिए और दूसरे को उसी के सापेक्ष परसेंटेज से आप निकाल लीजिए। तो आपको दिया गया है प्रत्येक बच्चे को मिठाइयों की संख्या बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। यानी बच्चों की संख्या अगर x होगा तो इसका मान क्या होगा? x का 20% x बड़े 20/100, 20 × 100 कितना आ गया? x बाई 5 आ गया। ठीक, जब x बाई 5 आ गया तो यहाँ से मैं सीधे सीधे इसको मिटा के यहाँ सीधे लिख दूँ अगर कि अगर बच्चों की संख्या x है तो मिठाइयों की संख्या x बाई 5। अब आप क्वेश्चन इसी पर हल कर सकते हैं या आप इसको एक और काम कर सकते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो अगर आप मिठाइयों की संख्या को x कह दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 5x। ये x था तो x बाई 5, ये x हो गया तो ये क्या हो गया? 5x। अब इससे क्या है कि आपका जो x का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, हाँ। तो देखिए हम लोग कहाँ थे, हमने आपको बताया कि अगर बच्चों की संख्या x मानेंगे तो उसका 20% मिठाइयों की संख्या x बाई 5 हो जाएगी। चाहे आप उसका अपोजिट कर लीजिए, क्योंकि आपसे जब पूछा गया है मिठाइयों की संख्या तो इसको x मान के इसको 5x कर लीजिए। उसके बाद अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में दिया है कि मिठाइयों को बराबर बराबर इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर हो। यानी कि 5x अगर बच्चे हैं आपके और मिठाइयों की संख्या x से x है तो दोनों को गुणा कर देंगे तो टोटल मिठाइयों की संख्या आ जाएगी। और टोटल मिठाइयों की संख्या कितना क्वेश्चन में दिया है? 720। हल कर दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 20 = 20, 5 × 20 x स्क्वायर का मान 144, तो x का मान 12। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। या आप क्या कहते हैं, अगर इसको x माने होते इसको x बाई 5 वहाँ से हल करते तो x का मान 12 × 5 = 60 आता और फिर मिठाइयों की संख्या के लिए आप x बाई 5 कहते। देख लीजिए, उससे भी आपको दिखा दूँ। ये तो हो गया, डायरेक्ट आ गया आपका। मान लीजिए आप पहले की तरह क्वेश्चन हल किए होते कि मैंने इसको x माना है और 20% यानी x बाई 5, तब भी वही चीज़ x इंटू x बाई 5 का मान 720, x स्क्वायर का मान 5 इधर ले आइए, 5 × 720 x स्क्वायर बराबर 1 × 5 यहाँ है तो 1 × 5 इसमें से और निकाल लीजिए, 5 बाहर और जब आ जाएगा तो कितना बचेगा? 144। तो x का मान क्या आ जाएगा? 12 यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 1 × 5 यहाँ से 12 × 5 = 60, तो x का मान यहाँ से 60 आ गया। तो इस बार मिठाइयों की संख्या के लिए किसका मान निकालना होगा? x बाई 5 का। तो आपका यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 12। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ से दोनों में डिफरेंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई, आय पर इसका कुल प्रभाव क्या पड़ेगा? आपको देखिए इसका दो तरीका मैंने बताया था, एक तो टी वाले फार्मूले से लगाइए, बढ़ाया जा रहा बिक्री तो प्लस 15, उससे क्या हो रही है? 15% कम हो गई बिक्री माइनस 15, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस 15 × 15/100। तो ये दोनों कट गया प्लस माइनस, 15 × 15 = 225/100, तो माइनस
2.25% माइनस का मतलब क्या हुआ, कमी। और इसी को एक डायरेक्ट फार्मूला आपने मैंने क्या बताया था कि अगर एक बार सेम की कमी हो और उतने की वृद्धि होगा तो फाइनली कमी होती है कितनी, यक्स बाय 10 का होल स्क्वायर। तो यक्स का मान कितना दिया है यहाँ, 15/10 का होल स्क्वायर, 15 हम या तो इसको 1.5 कर लीजिए, 1.5 का स्क्वायर, 2.25% की क्या होगी, कमी। ऐसे आप कर लीजिए। आइए और क्वेश्चन एक देखते हैं। दिया है फतेहपुर और बादा की साक्षरता प्रतिशत 52% और 46% है, दोनों जिलों की सम्मिलित साक्षरता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। एक तो तरीका यह हुआ 52 + 46/2, 6 × 2 = 8, 5 × 4 = 9/2 बराबर 49%। ठीक, ये तो सीधे सीधे आ गया। अब आप जानना चाहते हैं कि क्यों जोड़ के आधा किए, या बेसिक तरीके से हल करना चाहते हैं तो उसका भी आप देख लीजिए। फतेहपुर की साक्षरता 52 है, अगर फतेहपुर में टोटल 100 आदमी है मान लीजिए, तो साक्षरता 52% का मतलब कितना हो गया, 52। बादा की साक्षरता अगर यहाँ भी 100 है तो यहाँ की साक्षरता कितनी है, 46। अब अगर मैं दोनों को एक में जोड़ दूँ, 100 + 100 = 200, तो टोटल 6 × 2 = 8, 5 × 4 = 9, 200 में 98 साक्षर हैं। तो प्रतिशत में साक्षरता निकालने के लिए 100 में निकालना होगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, कितना आ जाएगा, 49%। ठीक है, ये आपका UP SSC अमीन परीक्षा 2016 में आया है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। इसमें पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है। देखिए सबसे पहले तो टोटल व्यक्ति 100 मान लीजिए, इसमें यहाँ मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, यहाँ महिला की। पुरुष कह रहा है 70% है, यानी 70 पुरुष है, तो महिला कितने बची, 30। पुरुषों में 2/7 विवाहित है। अब विवाहित का अगर देखा जाए तो 2/7, 70 का 2/7 कितना हो जाएगा, 70 × 2/7 20 आ जाएगा। तो महिला का कितना भाग अविवाहित है, यहाँ अविवाहित पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऊपर देखिए, पहले लाइन में क्वेश्चन दिया है व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं, 30% व्यक्ति विवाहित हैं, यानी 100 में कितने विवाहित हैं, 30। दिख रहा है आपको, नहीं, चलिए 100 में 30 विवाहित हैं। ठीक है, जब 100 में 30 विवाहित हैं और 20 विवाहित पुरुष आ गए, तो महिलाओं में कितनी विवाहित बची, आप कहेंगे 10। 20 यहाँ विवाहित, 10 यहाँ विवाहित, यहाँ का अविवाहित पूछा है, अविवाहित। तो 30 में जब 10 विवाहित हैं तो अविवाहित कितने बचेंगे, 20। ठीक, अगर संख्या में पूछा होता है तो 20 तो आता, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, भिन्न में पूछा है। 20 अविवाहित हैं कितने में, 30 में, तो इसको आप क्या कहेंगे, 20/30 बराबर 2/3 आ गया। ठीक, ये होगा आपका सॉल्यूशन इसका। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़िए। कह रहा है कि किसी संख्या में, मान लीजिए संख्या कितना है, 100, कह रहा है इसमें पहली बार 8% जोड़ना है, तो 8% जोड़ने पर संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 108। फिर कह रहा 3% घटाने पर, जब 3% इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 97। एक बार 108, एक बार 97, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 8 इधर ज़्यादा है, 3 इधर कम है, 11 आया। 11% का मान कितना दिया है, 407। तो 1% का मान 11 × 33, 11 × 7 = 77, 37 आ गया। तो मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या कितना है, 100%, तो 100% का मान क्या हो गया, 3700, आपका सी ऑप्शन। ठीक, तो आपने देखा कि प्रतिशत से कितने कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपका परसेंटेज लगभग समाप्त हो चुका है। UP SSC के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया। एक वीडियो पहले आपको करवाया था, उसके बाद चुनाव वाले क्वेश्चन को मैंने सीधे UP SSC के क्वेश्चन से उठाया था, ठीक। और जो क्वेश्चन बचा वो आज की स्थिति में आपका समाप्त हो गया UP SSC के प्रीवियस क्वेश्चन को, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। अगले वीडियो में मैं आपको कोई और चैप्टर जिसकी आप लोग डिमांड करेंगे वो लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।